जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों, सार वैल्यू एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्मार्टफोन के केस में, और मेरे पास काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं आज की डेट में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सारे स्मार्टफोन का आपको ना सार वैल्यू के साथ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है ये, क्या इसका नुकसान है, कौन से फ़ोन से आपको ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। तो मैं आज आपको इसके फ़ायदे नुकसान सब बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो दोस्तों, एकदम मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी सिग्नल भेजते हैं चाहे सिग्नल रिसीव करते हैं एंटीने के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होता है, उन सब में रेडिएशन एमिट होती है, रेडिएशन निकलती है, और इस रेडिएशन का हमारे ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और सब पे अलग अलग पड़ता है। ऐसा नहीं मेरे ऊपर अलग पड़ रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर अलग पड़ेगा, तो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो सार वैल्यू होता है, यहाँ पे सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट, या अब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को ऐसे अब्जॉर्ब करना, लेना। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है स्मार्टफोन के केस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा हर कोई यूज़ करता है आज की डेट में, स्मार्टफोन से कोई नहीं बचा है, जब से ये आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सार वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब एक लिमिट हमारे इंडिया के लिए सेट किया गया है, हमारे पास 1.6 वाट पर केजी। तो ये जो वैल्यू है ना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ टेस्टिंग करने के बाद। अब ये टेस्टिंग होती कैसी है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। कि मान लो क्या करते हैं, हम लोग एक ह्यूमन मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो एकदम इंसान की होता है, उसके अंदर ऐसे टिश्यू वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद उस पर टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं, हम लोग यहां से हेड के लिए अलग टेस्ट करते हैं और बॉडी के लिए अलग टेस्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी फोन होता है तो बात यहां से करते हैं, तो यहां पर हेड पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, और नॉर्मली ज्यादातर लोगों में यहां दिमाग भी होता है, तो यहाँ पे दिमाग ज़्यादातर लोगों में नहीं सभी में होता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, तो इसीलिए हमारे लिए हेड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सार वैल्यू एज कम्पेयर टू बॉडी। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद एक वैल्यू फिक्स की जाती है। अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया की वैल्यू वो फिक्स कर दी गई है 1.6। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने स्मार्टफोन आते हैं, जितने स्मार्टफोन आपके सामने मैंने टेबल पर रखा हुआ है, ये सब क्या करते हैं 1.6 से नीचे ही होते हैं। अगर इससे ऊपर की वैल्यू होगी ना, तो वो स्मार्टफोन ये क्या कर सकती है, फ़ोन बेच नहीं सकती। तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, उस लिमिट को सेट करना पड़ता है कि उतनी ही रेडिएशन हमारे पास वो एमिट करे। लेकिन ये होता क्या है, ये सारे स्मार्टफोन में ना अलग अलग है, हर कंपनी में अलग अलग आप देखेंगे, किसी में ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। मिलेगा सेफ लिमिट में, लेकिन आपको ज्यादा और कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि एक स्मार्टफोन पे जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, इसमें हम लोग इंटरनेट तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन वहीं पे ये वाला स्मार्टफोन, इसमें हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट भी यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलिंग भी करते हैं उसी टाइम। तो इस सिचुएशन में एंटीना क्या करता है, सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से रिसीव करता है, ज़्यादा तेज़ी से भेजने की कोशिश करता है, मतलब वो ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करता है, तो रेडिएशन भी उतना ही ज़्यादा एमिट होती है, उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर पर इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ, तो हमें ये बता दिया गया है कि 1.6 एक सेफ वैल्यू है, लेकिन इसका जो असर है ना, अगर मान लो एक स्मार्टफोन है जिसकी वैल्यू उससे नीचे है, फॉर एग्जांपल 0.73 है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सब पे अलग अलग असर डालता है। जैसे मैं हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ बूढ़े लोग हो सकते हैं, या प्रेग्नेंट लेडी, तो इन सब पे क्या होता है, अलग अलग बैड इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे किसका शरीर कितना स्ट्रोंग है, उससे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1.6 सेफ लिमिट तो है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना ये जितना कम हो सके। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे पास एक सिंपल स्मार्टफोन है, अगर मैं इसकी सार वैल्यू आपको चेक कराऊँ, तो सार वैल्यू चेक करने का सबसे आसान तरीका है क्या, जब आप फोन लेंगे तो वहाँ पे बॉक्स पे लिखा रहता है, या फिर आप स्मार्टफोन में डायल करें *#07#, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.85, मतलब ये क्या है, सेफ लिमिट में है, 1.6 से कम है। लेकिन वहीं पर एक स्मार्टफोन है मेरे पास, ये रेडमी का 5A है, तो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ, इसकी सार वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 1.6 के ऑलमोस्ट एकदम नज़दीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, यहाँ पे अगर मैं एक स्मार्टफोन यूज़ करूँ, इसमें मुझे काफ़ी कम मिला सार वैल्यू, ये है सैमसंग गैलेक्सी A50। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, तो इसकी जो सार वैल्यू आती है हमारे पास, इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी है 0.33। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं कि सैमसंग का ये फ़ोन है, इसमें आपके पास इतनी वैल्यू है, ये वाले सैमसंग में अलग वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या होता है, लेकिन कंपनी पर जरूर डिपेंड करता है। कुछ कंपनी के फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मली सार वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे अभी आप सोचेंगे, ऐसे तो सारे स्मार्टफोन नुकसान करते हैं, जी हाँ, ये सारे ही एक इफेक्ट डालते हैं हमारे शरीर पे, लेकिन हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी का एक पार्ट बन चुके हैं, हम इससे दूर नहीं भाग
रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कुछ सेफ्टी पे ध्यान रख सकते हैं। तो आपको एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहिए जिस स्मार्टफोन में सार वैल्यू होगा तो सब में 1.6 से कम, यहाँ पे तभी वो मार्केट में आते हैं। तो जिसका जितना कम हो, अगर आप लोग खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है। बॉडी पर उतना असर नहीं पड़ता लेकिन दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो नुकसान के बारे में अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। कोई कहेगा कम पड़ता है, कोई कहता है नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो इसके नुकसान अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा, ऐसे थकान महसूस होगी, सिर दर्द हो सकता है। लेकिन अभी इन चीज़ों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, लेकिन ये देखने को मिलती है, खासकर थकान वगैरह ये चीज़ आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने पर, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसे क्या है कि हम लोग अगर ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको ऐसे थोड़ी फिक्र है सार वैल्यू पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको ऐसे सार वैल्यू वाले ऐसे फ़ोन लेने चाहिए जिनकी जितनी कम हो वो उतना ही बेटर है। लेकिन यहाँ पे एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम लोग रैम देखते हैं, कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, लेकिन सार वैल्यू पे हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लोग बात करते हैं फ़ोन पे, बाबू सोना करते रहते हैं जो भी है, उनको फ़ोन कान पे लगा के नहीं, हो सके तो ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में क्या होता है, उसमें भी सिग्नल आते जाते हैं, तो यहाँ पे वो इतने डेंजर नहीं होते। लेकिन आपको ना ऐसे वायर वाले ईयरफोन यूज़ करने चाहिए, वो सेफ रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी मन में बात हो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय।